probably it's the wind or the cold weather, but it was almost going to land on the lake, and the conditions of the ice are extremely bad today. Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड मैं और आई बाबा निकल रहे हैं फॉर अ स्मॉल डे पिकनिक. बस इधर ही ऊपर टू बेयर माउंटेन है, उसमें विल प्रॉब्ली डू द सेवन लेक ड्राइव. सेवन लेक्स में से कुछ लेक्स देख लेंगे, उनमें से एक है लेक कनाकी, एक है लेक वेल्च, ऐसे कुछ लेक्स हैं वहाँ पे. इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्राइव. तो सोचा कि आज वेदर अच्छा है इसलिए लेके जाता हूँ आई बाबा को बाहर, थोड़ा अच्छा खासा ड्राइव भी हो जाएगा. ओके, सो आई बाबा रेडी? रेडी. अभी सुबह थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, बट जैसे जैसे दिन आगे जाएगा ठंडी थोड़ी और कम होती जाएगी, एंड तब तक अपनी गाड़ी वार्म रखेगी. सो लेट्स गो. ऑल राइट, सो वी टुक आवर फर्स्ट स्टॉप. आज का दिन पूरा चिल करने का है, आराम से ड्राइव करके मज़े लेने का है. तो वी आर ऑन द पैलेसेड्स इंटरस्टेट पार्कवे राइट नाउ, एंड आई थिंक मैंने मेरी ब्लॉग में पहले काफ़ी बार बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हाईवेज टू ड्राइव ऑन, बिकॉज एक तो ट्रक्स अलाउड नहीं है, तो आप आराम से यू कैन एन्जॉय ड्राइविंग, एंड इट इज़ प्रिटी सीनिक. काफ़ी सारे ऐसे लुकआउट्स आते हैं, जैसे कि राइट नाउ वी आर एट रॉकफेलर लुकआउट, आगे जाके एक अल्पाइन लुकआउट है, फिर एक स्टेट लाइन लुकआउट है, ऐसे अलग अलग लुकआउट्स है बाय द हडसन. ये जो आपको नदी दिख रही है, ये हडसन नदी है. तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. यहाँ पे पीछे आपको जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज दिखता है, एंड पीछे एकदम उसके पीछे पूरी न्यूयॉर्क सिटी दिखती है, ऑल द वे अप टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. तो आई डोंट नो इसमें कितना दिखेगा, बट दिस इज जॉर्ज वॉशिंगटन, एंड यहाँ पे सारा मैनहट्टन दिखता है आपको, एंड दिस इज द ब्रॉन्क्स आई फील, एंड दिस इज लाइक अ नाइस राइट अप. ये आपको दिखेगा, ये पूरा ब्रॉन्क्स है. लाइक आई सेड, ये सामने जो ब्रिज है ये वाला, ये यहाँ पे दिस इज द ब्रॉन्क्स, एंड ये पूरा मैनहट्टन है वहाँ पे. ओके, सो द फर्स्ट स्टॉप वाज अ शॉर्ट वन बिकॉज अभी भी बाहर काफ़ी ठंडा, एंड यहाँ पे बिकॉज रिवर के बिल्कुल बाजू में तो हवा भी बहुत ज़्यादा है. सो वी आर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, देखते हैं और कोई अच्छी जगह मिली तो वहाँ पर रुकेंगे, वरना विल हेड स्ट्रेट टू लेक कनाकी. प्रॉबेबली अगर बीच में रास्ते में डंकिन वगैरह दिखते विल गेट समथिंग टू ईट. All right, so we are here in the town of Suffern. एंड यहाँ से वी गोइंग टू स्टार्ट द सेवन लेक्स ड्राइव, बट लाइक आई सेड थोड़ा खाने पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे. दिस इज अ प्लेस कॉल्ड बेगल ट्रेन. पहले डंकिन जाने का सोचा था, बट देन यू नो लाइक लोकल अगर आप कुछ भी खाते हो तो उसका टेस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर, ऑलवेज गोइंग टू बी नाइसर. तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा एवरीथिंग बेगल विद क्रीम चीज, एंड देन वील गो फॉर द सेवन लेक्स ड्राइव. All right, so bagel उठा लिए, and we started driving on the Seven Lakes Drive. The first lake that has come is Lake Sebago, and ये अपने पीछे दिख रहा है, completely frozen है फिलहाल, and ठंडी भी है काफ़ी. तो वहाँ पे नहीं, गाड़ी में बैठ के खाएंगे जो बेगल लिए थे गर्मा गर्म, एंड क्या लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मतलब एकदम अलग ही फील है, और ज़्यादा लोग नहीं है, सो यू नो ओवरऑल इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड ये है अपना एवरीथिंग बेगल विद क्रीम चीज़, एंड जस्ट लुक हाउ अमेजिंग इट लुक्स जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ लोकल शॉप. बेगल्स हमेशा आपके पास के लोकल बेकरी में या फिर लोकल डेली में जो लोग वहाँ पे एक्चुअली बनाते हैं ना, उसका टेस्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन एनी यू नो इफ यू गेट इट फ्रॉम डंकिन और स्टारबक्स और फ्रॉम एनी चेन शॉप. तो ऑलवेज ट्राई बेगल्स फ्रॉम योर लोकल डेली और लोकल बेकरी.
काफ़ी मज़ा आया देख के। आई होप यू गाइस एंजॉयड द शॉर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे मुझे एक बहुत क्यूरियस लगा कि एक ही लाइन है वहाँ पे जो मतलब जो पानी है उसके उस साइड पे आइस है, इस साइड पे आइस है। एंड इफ़ यू सॉ जो बीच में सर्कुलर ऐसा कुछ है पानी में, जहाँ पे इट्स फील्स लाइक इट्स थिन आइस और बाकी हर जगह पे थोड़ा ज़्यादा आइस लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, अगर आप में से किसी को पता है अबाउट समथिंग लाइक दिस कि ऐसा ये बीच में सर्कल क्यों फॉर्म होता है, एंड यू नो लाइक उसके आसपास इतना वाइट है बट जस्ट दैट फील्स लाइक अ लेयर ऑफ थिन आइस, आई डोंट नो व्हाई इट इज़। इफ़ यू गाइज नो कॉमेंट डाउन बिलो। एंड वी विल कंटिन्यू ऑन आर सेवन लेक्स ड्राइव। अभी हर एक लेक पे तो नहीं रुकेंगे मोस्टली, बट प्रॉब्ली विल हैड टू बेयर माउंटेन आफ्टर द सेवन लेक्स ड्राइव। तो यू गाइज एन्जॉय द ड्राइव एंड देन प्रॉब्ली विल स्टॉप एट बेयर माउंटेन एंड देन वहाँ पर देखेंगे क्या है करने जैसा। एंड द डे इज़ लॉन्ग तो लेट्स गो। ओके, सो चलते चलते एक और एक्चुअली दो और खूबसूरत लेक दिख गए, तो फिर मन कर गया रुकने का जस्ट आफ्टर टू मिनट्स आफ्टर आई सेड व्हाट आई सेड इन लाइक इन द प्रीवियस वीडियो क्लिप। बट एनीवेज ये है लेक स्कंटाटी या स्कैंटाटी, अब मुझे पता नहीं कैसे बोलते उसे, और उस साइड पे है शायद अशोक कीति या कुछ। तो लेट मी सी, लेट मी सी। सो ये है लेक स्कैंटाटी और बिल्कुल इसके साइड में अगर आप देखोगे तो ये है लेक एस्कोटी। सो यस, ये दोनों लेक्स है वंस अगेन इन द सेम सेवन लेक्स ड्राइव। एक हम देख नहीं पाए, दैट वाज लेक वेल्च जो कि उस साइड पे, एंड वहाँ का जो पार्कवे वो फिलहाल बंद था शायद, तो इसलिए वी कुडंट गो दैट साइड। बट वी आर कंटिन्यूइंग ऑन द सेवन लेक्स ड्राइव ऑन यू नो लाइक ये जो है ये दिस इज द सेवन लेक्स ड्राइव रोड, ये ऐसा ऊपर जाता है, हम लोग वहाँ से नीचे आए। ठीक है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइव इवन इन द विंटर, मतलब समर में तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होता होगा ये, बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे यहाँ से, बोट लॉन्च वगैरह भी कर सकते हो आप, तो आप इफ़ यू नो लाइक हैव अ बोट और जेटकी वगैरह शायद आप आराम से इन लेक्स में चला सकते हो। बट या विंटर में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, वापस एक बार मुझे समर में ज़रूर आने का मन करेगा विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू एक्सप्लोर दिस वंस अगेन। चलते चलते आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय ड्रोन, प्रॉब्ली इट्स द विंड और द कोल्ड वेदर, बट इट वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू लैंड ऑन द लेक एंड द कंडीशंस ऑफ द आइस आर एक्सट्रीमली बैड टुडे। समहाउ आई मैनेज टू लैंड इट ऑन द लैंड समहाउ, बस यहाँ पे कहीं पे इधर ही कहीं पे वो लैंड हुआ है। आई एम जस्ट ग्लैड कि वो पानी में नहीं जा गिरा, अगर गिरता तो मतलब उसे वापस रिकवर करना इम्पॉसिबल होता। जस्ट हैव टू सर्च कि किस पत्थर के पीछे लैंड हुआ है अभी। एंड ये रहे भाई साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं, जस्ट इतने से बचा, अगर इस पे भी टकरा था तो टूट जाता, नीचे गिरता तो लाना मुश्किल होता, यहाँ पे झाड़ियों में अटकता तो और वाट लग जाती। आई एम सो ग्लैड यू आर सेफ बडी, कुछ हुआ नहीं नसीब। All right, so now जो अपने ब्रिज देखा था बाय माउंटेन ब्रिज, तो हम लोग हडसन के इस वाले साइड पे आ गए। एंड एक सीनिक व्यू पॉइंट है, मैं आई थिंक दो साल पहले यहाँ पे आया था विद भरत, मैंने भरत की गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी एंड वी हैड टेकन लॉन्ग एक्सपोजर्स फॉर माय कॉलेज नाइफा का प्रोजेक्ट। एंड अभी आई बाबा के साथ आया हूँ, फील्स सो नाइस, लुक एट दिस टू क्यूटीज टेकिंग फोटोज एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर।
यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत है, बट जो ड्रोन के साथ हादसा हुआ था तो इसलिए आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू फ्लाई माई ड्रोन अगेन फ्रॉम हियर, बट द व्यू इज़ अमेजिंग. वो वहाँ पे पूरा बेयर माउंटेन है, बेयर माउंटेन स्टेट पार्क एंड एवरीथिंग एंड या एंड ये वापस हडसन नदी. ब्यूटीफुल. ओके, सो बेयर माउंटेन में थे तो सोचा कि बाजू में ही वेरी क्लोज बाय लिव्स अ फ्रेंड जेमिन सर एंड ही हैड इनवाइटेड मी टू कम टू हिज प्लेस विद आई बाबा. सोचा कि चलो लेट्स स्टॉप फॉर अ क्विक चाय, थोड़ी बातचीत हो जाएगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा एंड देन विल हेड बैक होम फॉर द डे, बिकॉज ओवरऑल द ड्राइव टुडे वॉज प्रिटी नाइस, प्रिटी गुड, प्रिटी यू नो लाइक वेदर वगैरह वॉज डिसेंट. यहाँ पे अप नॉर्थ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा है, इफ़ यू कैन सी यू नो लाइक यहाँ पे भी बर्फ़ है इतना, जहाँ पे मैं रहता हूँ साउथ प्लेन फील्ड में उतना वहाँ पे बर्फ़ नहीं है. सो इट्स अ लिटिल चिली एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ डाउन देयर, बट या इट वाज अ प्रीटी प्लेजेंट ड्राइव ओवरऑल. ओके जेमिन सर, नाइस मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग. ओह, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. जेमिन सर मेड टी फॉर अस आफ्टर 6 इयर्स एंड इट टेस्टेड परफेक्ट, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग स्टॉप था यहाँ पे एंड Once again, thank you for inviting me over. Thank you for coming. वैसे अगर आपको पता नहीं है, जैमिन सर इज़ द वन हु गाइडेड मी विद द होल कार बाइंग प्रोसेस, कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए. आई वॉज गोइंग टू गो फॉर रेंज रोवर डिस्कवरी पहले, ही वाज लाइक कि नहीं, यू गेट समथिंग रिलायबल, यू गेट समथिंग नाइस, बट या थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प ओवर देयर एंड सी यू सून एंड लेट्स गो होम नाउ. सो सी यू सीधा घर पर.